तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं मायोची के बारे में, जो कि एक कोरियन ट्विच एंड यूट्यूब स्ट्रीमर हैं। एंड उनको यार लाइव स्ट्रीम पर कोई मोलेस्ट करता है, एंड इससे रिलेटेड जो न्यूयॉर्क पोस्ट है वो एक ट्वीट करते हैं अपने ट्विटर पर, एंड वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको रीशेयर करती है मायोची। एंड वो लिखती हैं, लुक लाइक वी मेड टू अमेरिकन न्यूज़। एंड डिस्क के ऊपर जो रॉक्स हैं वो रिप्लाई करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, गेटिंग मोलेस्टेड इज समथिंग टू ब्रैग अबाउट, इट्स अ हाई टाइम टू रियलाइज यू आर गेटिंग फीचर्ड फॉर अदर्स एक्शन नन ऑफ योर डीड, हैव अ गुड टाइम इन इंडिया। एंड जो मैक्सटन है वो भी यार रॉक्स का रिप्लाई करते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, लिखते हैं, शी इज जस्ट चेजिंग क्लाउड नाउ। एंड इसी चीज़ का जो हाफ स्क्रीन शॉट है वो पोस्ट करती हैं मायोची अपने ट्विटर पर, जिसमें वो लिखती हैं, सम पीपल थिंक्स आई एम डू नथिंग, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसका रिप्लाई करते हुए मैक्सटन एक और ट्वीट करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, प्लीज़ पोस्ट द फुल स्क्रीनशॉट। एंड फुल स्क्रीनशॉट यार आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एंड डिस्क के ऊपर जो रॉक्स हैं वो दोबारा रिप्लाई करते हैं, वो लिखते हैं, आई स्टिल फील हर कैप्शन लुक लाइक वी मेड इट टू न्यूयॉर्क टाइम्स, इजंट समथिंग टू बूस्ट अबाउट, मिसगाइडिंग पीपल बाय पोस्टिंग हाफ स्क्रीनशॉट ऑफ माय ट्वीट, दैट टू क्रॉपिंग द कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली डिपिक्ट व्हाट एनवाईटी डज एवरी सिंगल टाइम। एंड उनका ट्वीट आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोगों के इस पर क्या व्यूज है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता। तो वीडियो है उनसे लोग बोल रहे थे चैट में कि अच्छा ज्वाइन कर लो, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। डीएसएम ब्लेज न्यू जॉइनिंग एचएच, बाप रे, न्यू सरकार बैन हो गया, अब एचएच ज्वाइन कर लो तुम। भाई कैसी बातें कर रहे हो, मैं गेम छोड़ दूंगा, ये नहीं करूंगा। पर एंड इसके बाद जो ऋषभ है, जब वो इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे तो उन्होंने काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करी, उन्होंने अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करी, उन्होंने ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के बारे में बात करी, एंड गेम के रिलेटेड भी यार उन्होंने काफ़ी सारी बात करी थी, तो उनकी वो वाली पूरी क्लिप आप लोग देख सकते हैं। मेंटेनेंस ब्रेक, हाँ मेंटेनेंस ब्रेक का मैं बोल देता हूँ कि मेंटेनेंस ब्रेक का जो सीन था वो जब बीजीएमआई बैन हुआ था उससे पहले भी एक मेंटेनेंस ब्रेक आया था, जिसके बाद बीजीएमआई बैन हो गया, बैन इन द सेंस सस्पेंड हो गया। तो ये वाला मेंटेनेंस ब्रेक में भी कुछ चीजें लाइक जो ग्लिच है एंड जो जो पिंग इश्यूज था वो चीजें सॉल्व हुआ है, बट ये चीज अपलोडेड मतलब लिंक्ड थोड़ा बहुत है बीजीएमआई से, जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं लाइक जो भी अपडेट्स है, जो भी चीजें है वो लाने में। एंड प्लस एक और चीज देख सकते हो तुम लोग, जहाँ पे जो जहाँ पे बोनस चैनल दिखता था वहाँ पे अभी स्पॉन्सर्ड मैच भी आ गया है, जिसका प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है फॉर द बीजीएमआई सीजन 2। जो कौन सा कप था वो पहला टूर्नामेंट बीजीएमआई का, बीजीआईएस, हाँ बीजीआईएस का सीजन 2 आ रहा है, तो उसका ही स्पॉन्सर टैब वहाँ पे आ गया है। तो दे आर वेल टू लाइक वो लोग फुल ऑन प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द लॉन्च, सो बस थोड़ा वेट कर लो, इट्स ऑन दी कॉर्नर, और पहला टूर्नामेंट हमारे साइड से देखने को मिलेगा। जियो ऑक्शन जीता क्या पब्लिशर लेवल का? भाई वो इंटरनल डिस्कशन है ब्रो, वो हम लोग थोड़ी ना बता सकते हैं कि जियो आ रहा है या फिर कोई और आ रहा है। जियो क्या जीता? ग्लोबल मैच मेकिंग अभी नहीं आएगा ब्रो, अगर जनवरी में आ भी जाता है गेम तो ग्लोबल मैच मेकिंग आते आते 8 से 9 महीना लगेगा, वो भी जब गेमिंग लॉ हमारा इंडिया में आ गया, अगर आ गया तो। गेमिंग लॉ का जो सिनेरियो है, गेमिंग लॉ आने वाला है हमारे इंडिया में, जो अभी तक इंडिया में गेमिंग लॉ कोई भी हमारा इंडिया में नहीं है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट जो हमारा गवर्नमेंट का एक कुछ लाइक वो टर्म मैं भूल गया, वो टर्म मैं स्टोरी में डाल दूंगा, वो होने वाला है फेब टू मई के महीने में, एंड उसके बाद वहाँ पे अगर गेमिंग का चर्चा हुआ तो गेमिंग लॉ आ सकता है, देन अगर गेमिंग लॉ आ जाता है देन हमारा ग्लोबल मैच मेकिंग का कुछ ना कुछ होने वाला है। गेमिंग लॉ क्या? गेमिंग लॉ इज थिंग जहाँ पे रेगुलेटरी मैनर्स हो जाएगा जहाँ हर एक चीज में, तो वो चीज हम लोग अभी रोक रहा है, वो चीज रुका हुआ है बिकॉज ऑफ जो गैम्बल चल रहा है, गैम्बलिंग चल रहा है, वो गैम्बलिंग के कारण अभी गेमिंग लॉ रुका हुआ है।
कि अनाउंसमेंट होने वाला है बहुत जल्द, शायद 25th को भी कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल जाए, बट आई डोंट थिंक सो। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में कुछ ना कुछ मिलेगा तुम लोगों को अपडेट। एंड बेसिकली जो ई स्पोर्ट्स है, बीजीएमआई का ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स जो स्टार्ट होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा। एंड इसके बाद जो मवी है उन्होंने भी बीजीएमआई कमबैक पे रिप्लाई करा है। उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। बता नहीं क्या भाई, कोई बोलेगा क्या क्या मान लगा कि नहीं, वो तो देखो मैं लीक कहां से लेके आऊं बताओ। ये तो वर्ल्ड बेस्ट कंटेंट बना सकते हैं, क्योंकि जो गेम वाले थे ना वो पहले कॉन्फ्रेंस वालों को कॉन्फ्रेंस टाइटल देते थे और सपोर्ट भी उनको ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस बनेगा हम लोग उसको पहले बताएंगे गेम क्या। अच्छा ऐसा है क्या? मतलब ये देख बैन, मैंने सुना बताने के ना, लिए तो मैं बता दूं, मैंने सुना था बताने के लिए मैं बता दूं, गेम बैन, गेम सस्पेंडेड है ऐसा कुछ करके, ऐसा या करेक्ट करेक्ट। तो मैं वही कह रहा हूँ, सुनने में तो ये बताने के लिए मैं बता दूं, बट इसमें हमारा क्या फायदा होगा, हम सबका तो फायदा एकदम होना सही है। चाहिए कुछ। ओके 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 भूपेश, थैंक यू मेरी जान। गाइस स्ट्रीम को लाइक कर दो प्लीज, आप इतने दिनों बाद मेरे को देखने आ रहे हो ना, मैं एंड इसके बाद जो रुशिंद्र भाई हैं उन्होंने एक ट्वीट करा था जिसमें उन्होंने लिखा था, व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट आई नो अ लिटिल समथिंग अबाउट अ सर्टेन ई स्पोर्ट्स ऑर्ग, दैट इफ इट वर टू कम आउट इट वुड बी पोटेंशियली एंड देम। एंड आप लोगों को क्या लगता है उन्होंने यार ये वाला ट्वीट क्यों किया होगा? एंड इसके ऊपर अगर कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एंड इसके बाद जो गोल्डी भाई उन्होंने बात करी थी रेगल टॉस के बारे में, एंड उन्होंने बताया था उनकी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स वगैरह आ रही हैं GTA RP में, एंड हो सकता है कि उनको यार बैन मिल जाए GTA RP के सर्वर से, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। सोल रेगल टॉस इज होम। हाँ सोल रेगल टॉस मोस्टली बैन खाएगा सर्वर से उसकी हरकतों की वजह से, बहुत कंप्लेंट्स है उसकी, उसको वार्निंग दे दे के थक गया बट वो सुन नहीं रहा। जॉर्ड मोस्टली रेगल्टॉस विल गेट अ बैन, गलती भी छोटी मोटी नहीं कर रहा वो, बड़ी बड़ी भारी भारी गलतियां कर रहा है, भारी भारी। GTA से क्या? हाँ ऑब्वियसली SAT बोलते तो अभी बैन हटा है उसका। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।